जे तुमने बिजली का बिल कति जीरो ओंडा करना है ना तो भाई यह वीडियो तारा खातर स्पेशल है, क्योंकि बिजली का बिल तो जीरो करोगे करोगे, साथ के साथ में बिजली बेच भी सको हो। बिजली का बिल बिल्कुल जीरो हो जाएगा, अगर बिजली नहीं है उसके बाद भी आपके एयर कंडीशन, आपके चक्किंग अंडासा, मोटर सब कुछ चलेगा, वो भी पूरी जिंदगी फ्री। विदेश ऐसी टेक्नोलॉजी ले आया है जिस तरह आप बिजली का बिल कति जीरो कर लेवांगे। 3-1.5 टन के एसी चला सकता है और बाकी आपका जो चक्की गंडासा कुछ भी होगा वो चला देगा। देखिए ये जो टेक्नोलॉजी है ये बन नहीं सकती, क्योंकि ये ट्रांसफार्मर लेस टेक्नोलॉजी है और इंडिया में किसी भी कंपनी के पास ये टेक्नोलॉजी है ही नहीं। ये दिवाली पर मिलने वाली है यहाँ पर भारी भरकम छूट, और 21 अक्टूबर से लेकर 26 अक्टूबर तक यहाँ पर सेल रहने वाली है। राम राम सारे ने मोहतार गला कुसुम गोयत, और जेता हमने बिजली का बिल कति जीरो ओंडा करना है ना तो भाई यह वीडियो तारा खातर स्पेशल है, क्योंकि बिजली का बिल तो जीरो करो ही करोगे, साथ के साथ में बिजली बेच भी सको हो। एक हरियाणा का छोरा, देसी छोरा कति वायरल हो रहा है, वो है ना विदेश ऐसी टेक्नोलॉजी ले आया है जिस तरह आप बिजली का बिल कति जीरो कर लेवांगे। आप पूरी वीडियो जरूर देखियो और उस छोरे से मिलवाऊंगी, और इसी के टेक्नोलॉजी लेकर आया है वह भी तार लग दिखाऊंगी। आज मेरे गिल गिल तो भाई जो गांव का छोरा है ना, देसी छोरा जो वायरल हो रहा है और जीरो बिजली का बिल जिसने गांव में सबका कर दिया है, सहरा में भी रविंद्र मेरे गिल मौजूद है। राम राम जी, वेलकम। राम राम जी, ठीक सो? बिल्कुल ठीक। यूके चाड़ा पाड़ दिया, बिजली का बिल जीरो भी कर दिया, बेच भी सका बिजली, ऐसा क्या कर दिया आपने? बिजली का बिल बिल्कुल जीरो हो जाएगा, अगर बिजली नहीं है उसके बाद भी आपके एयर कंडीशन, आपके चक्किंग अंडासा, मोटर सब कुछ चलेगा, वो भी पूरी जिंदगी फ्री। अच्छा जी, वो कोई टेक्नोलॉजी लाए हो, वो मार लग भी दिखाओ और दर्शन का तब भी दिखाओ जी। जरूर जी, जरूर दिखाएंगे। चलिए जी, वहाँ से शुरुआत करते हैं। ला भाई, सबसे पहले तो ये इन्वर्टर है, ये बिल्कुल ही यहाँ से स्टार्टिंग है और ये आम आदमी के लिए। अब ये 3 किलोवाट का इन्वर्टर है, मोटा मोटा बता देता हूँ मैं, ये 4 किलोवाट का लोड उठा लेगा और इसके ऊपर आपके 2-1.5 टन के एसी चल जाएंगे, आपके घर की मोटर चल जाएगी। अच्छा। बिजली भी बेच सकता है। अच्छा। और 2 इसके अंदर आउटपुट आते हैं, एक से आप अपना लाइट पंखा जोड़ लीजिएगा जो आपको इमरजेंसी में चाहिए, और दूसरे से आप अपना एयर कंडीशन जोड़ लीजिएगा, जिससे कि रात को जैसे बैटरी के ऊपर सारा लोड आ गया, ना सोलर है ना आपके पास बिजली है, तो एक पर्टिकुलर बैटरी लेवल आने पर जो भी आप सेट करेंगे, मान लीजिए एग्जांपल के लिए 50% सेट कर दी, तो तब तक तो एयर कंडीशन सब चलेंगे, उसके बाद एयर कंडीशन बंद हो जाएंगे, लेकिन आपका जो लाइट है, फैन है, वो चलता रहेगा, जिससे कि आपकी फैमिली को रात को तकलीफ नहीं होगी। वाजी वाजी, क्या बात है। इसका वजन वगैरह कितना रहेगा? ये सिर्फ 10 किलो का है। 10 किलो का है, ठीक है। चार्ज वगैरह? ये इसके ऊपर आपके 5.5 किलोवाट के सोलर पैनल भी लगते हैं, बिजली भी कनेक्ट होती है, और ये सिर्फ 2 बैटरी से चलते हैं। 2 बैटरी? हाँ, जो आपके घर में बैटरी होती है उन्हीं 2 बैटरी के ऊपर ये चल जाएगा। हाँ जी। अगर वो बैटरी आप नहीं लगाना चाहते, जो कि आपके घर में लेड एसिड बैटरी होती है, क्योंकि वो 3 साल चलती है, तो आप ये लिथियम बैटरी भी लगा सकते हैं, ये भी सेलकोनिक कंपनी की है। अच्छा। ये 12 वोल्ट की बैटरी है, तो इन 2 बैटरी को भी आप लगा के चला सकते हो, आपके एयर कंडीशन इन्हीं बैटरी के ऊपर चल जाएंगे। इसकी 2 साल की आपको वारंटी मिलती है, क्योंकि ये IP20 है। Okay. और इनकी मिलती है आपको 3 साल की, और ये 20 साल प्लस चल जाएंगी, ना पानी डालना ना कुछ। अच्छा। हाँ, कोई भी मतलब पानी नहीं डालना, 20 साल प्लस हो जाएगी। हाँ, 20 साल प्लस चलेंगी, बिना पानी डाले, बिना किसी मेंटेनेंस के, और ये फुल आपके एयर कंडीशन का लोड उठा देंगी। ये तो बैटरीज है, पहले हम अपने इन्वर्टर कवर करते हैं, उसके बाद आ जाता है 5 किलोवाट का, क्योंकि जिनका थोड़ा सा बड़ा लोड है, तो इसके ऊपर आपकी जो बड़ी मोटर है, जो आपका चक्की गंडासा है, जो आपका एयर कंडीशन है, वो सब कुछ इसके ऊपर चल जाएंगे। ये भी 5 ही किलोवाट का इन्वर्टर है, 2 साल की वारंटी में आता है, और इसके ऊपर आपके 8 किलोवाट सोलर पैनल लगते हैं, जबकि इसके ऊपर आपके 5.5 किलोवाट सोलर पैनल लगते थे। ये भी बिजली बेच सकता है, इसके अंदर भी वाईफाई आता है। हाँ, इसके अंदर एक चीज मैं और बता देता हूँ, जितने भी आप इन्वर्टर देख रहे हैं इनके सबके अंदर वाईफाई है। हाँ, वाईफाई का क्या होगा कि आपके फोन के अंदर एप्लीकेशन होगी, तो उसके अंदर कितनी बिजली बनी, कितनी बिकी, कितनी बैटरी में गई, सब कुछ आप देख सकते हैं, और अपने फोन से ही इन्वर्टर की कोई भी सेटिंग जो है वो आप चेंज कर सकते हैं। ये इसका ऊपरी स्क्रीन से के ऊपर है, स्क्रीन में क्या दिखेगा? स्क्रीन में सब दिखेगा कि सोलर से कितनी पावर आ रही है, बैटरी में क्या जा रही है, घर में आपके क्या लोड चला हुआ है, सब कुछ दिखेगा इसमें। चालू करके सारा बेरा लग जाएगा। हाँ, सब कुछ आपको पता चल जाएगा, और ये फिर अलग अलग मॉडल है, अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से,
उससे अगले मॉडल की बात करें तो अल्ट्रा प्रो है, अब ये भी 5 किलोवाट का इन्वर्टर है लेकिन ये 6 किलोवाट लोड उठा सकता है, यानी कि आपके 3 एयर कंडीशन चल जाएंगे। अच्छा। तो 3 एसी चल जाएंगे, बाकी आपका जो घर का बाकी लोड है वो सब कुछ चल जाएगा। इसके अंदर डबल आउटपुट मिलती है, वही मैंने आपको बताया कि हैवी लोड आप अलग से जोड़ देंगे और लाइट लोड अपना अलग से जोड़ देंगे, वाईफाई वगैरह सब कुछ लगता है और इसके अंदर आपका 9 किलोवाट के सोलर लगते हैं। 9 किलोवाट के, हाँ जी, बिजली सारे बेच सकते हैं। हाँ, ये सब जितने भी इन्वर्टर है सब बिजली बेचते हैं और बिजली का बिल जीरो आएगा। जीरो आएगा। हाँ, फिर इस यहाँ से हमारे स्टार्ट हो जाते हैं लग्जरी प्रोडक्ट, क्योंकि यहाँ से वारंटी आपकी 5 साल की कम से कम स्टार्ट हो जाती है। और ये है IP65। IP65 का मतलब जैसे आपका फोन होता है IP65, यानी कि पानी भी लग जाए कोई दिक्कत नहीं, तो इनको आप बाहर भी लगा सकते हैं, बारिश में भी इनको कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, हाँ, कितने भी जो। हाँ, ये वाटर प्रूफ ही आप मानिए हैं। तो ये 5 साल की वारंटी में आते हैं। लगभग ये चल जाएंगे कितने साल? इनकी लाइफ जो है 25 साल है। 25 साल जी, डिजाइन लाइफ 25 साल है। तो ये भी 5 किलोवाट का इन्वर्टर है और आपके 2 एयर कंडीशन चला सकता है, 5.5 किलोवाट तक का ये लोड उठा सकता है और इसके ऊपर 6.5 किलोवाट सोलर लगता है। अच्छा। लेकिन इसके बाद अब आप यहाँ देखेंगे ये Galaxy 6G है। इसके बाद जो नई टेक्नोलॉजी आई थी वो आ गई थी Galaxy 7G Pro। अब ये क्या है कि ये भी 5 ही किलोवाट का है लेकिन ये 6.5 किलोवाट उठा सकता है, 3.5 टन के एसी चला सकता है और बाकी आपका जो चक्की गंडासा कुछ भी होगा वो चला देगा। अब इसके ऊपर सोलर पैनल सबसे ज्यादा लगते हैं, 9 किलोवाट ये सपोर्ट करता है और सारी आपकी मॉनिटरिंग सारी फोन में आती है, सब कुछ आपका मतलब रिमोट कंट्रोल, जैसे कि आप हाँ फोन से, चाहे आप अमेरिका क्यों ना हो, अच्छा, वहीं से भी कुछ भी आप चेंज करना चाहेंगे तो आपके यहाँ इन्वर्टर में चेंज हो जाएगा। मतलब रोबोट इन्वर्टर है ये। हाँ, वही मान लीजिए आप। हाँ, उसके बाद ये भी 5 किलोवाट का इन्वर्टर है लेकिन ये मॉडल अब बंद हो चुका है। हाँ, उसके बाद फिर जिनका और भी ज्यादा लोड है, जिनको अपने 4 से 5 एयर कंडीशन चलाने हैं, तो फिर ये 8 किलोवाट का इन्वर्टर आ जाता है, इसके ऊपर 11 किलोवाट सोलर लग जाते हैं और इसके ऊपर भी आपका घर का जो बाकी सारा लोड है चल जाता है। और ये जितने भी आप इन्वर्टर देख रहे हैं पहले उस छोटे इन्वर्टर को छोड़ के, ये सभी के सभी 48 वोल्ट में है, यानी कि 4 बैटरी से ही चल जाएंगे। हाँ, ऐसा नहीं है कि आपको कुछ लिथियम ही खरीदनी पड़ेगी, अगर घर में लेड एसिड बैटरी है वही 4 बैटरी लगाइए 48 वोल्ट, तो आपका ये सारे इन्वर्टर चल जाएंगे। अब उससे भी ज्यादा आगे लोड चाहिए, फिर से Galaxy 7G Pro आ गया। अब ये 10 किलोवाट का इन्वर्टर है और आपका 13 किलोवाट तक का लोड उठा लेगा, 18 किलोवाट इसके ऊपर पैनल लगेंगे और इस इन्वर्टर के ऊपर आप 6 से 7 एयर कंडीशन चला सकते हैं। हाँ, ये इतना जबरदस्त है, ये भी सिंगल फेज के अंदर आते हैं। अब यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं हमारे 3 फेज, क्योंकि 5 किलोवाट से ऊपर आपका मीटर आ जाता है 3 फेज। अब जिनको अपनी लिफ्ट चलानी है, 3 फेज की लिफ्ट रहती है, 3 फेज की मोटर रहती है, एयर कंडीशन रहते हैं, तो तब 3 फेज का ये 12 किलोवाट का इन्वर्टर आ जाता है, इसके ऊपर भी आपके 18 किलोवाट पैनल लग जाएंगे और ये भी आपका 13 किलोवाट लोड उठा लेगा। और ये बहुत ज़्यादा बिकता है शहरों में, क्योंकि 3 फेज के अंदर ये सबसे रिलायबल इन्वर्टर है और लिफ्ट चलाने के लिए शहरों में इसको ज़्यादातर लोग लेते हैं। इनकी जैसे कितनी लाइफ है? ये भी 25 साल डिजाइन है, लेकिन जो आप 7G Pro देख रहे हैं इन इन्वर्टर्स की 6 साल की वारंटी मिलती है आपको। अच्छा। हाँ, जबकि जो 6G है 6G की आपको 5 साल की मिलती है। अच्छा। फिर आगे इससे भी अगर ज्यादा किसी का लोड है तो फिर ये 12 किलोवाट में प्रो मॉडल आता है, तो ये आपका चला सकता है 16 किलोवाट तक का लोड और इसके ऊपर आपके 24 किलोवाट के सोलर पैनल लग जाएंगे। तो जिनके और भी ज़्यादा एयर कंडीशन है, जिनको कम से कम ये लगा लीजिए कि अपने 8 से 9 एयर कंडीशन चलाने हैं, तो फिर उनके लिए ये इन्वर्टर है। तो ये भी 6 साल की वारंटी के अंदर आता है। अब फिर उससे भी ज्यादा अगर लोड है, ठीक है, तो सबके लिए यहाँ पर एक चीज लेकर आने लग रहे, कोई नहीं सोचेगा ना भाई मार तो घना है सामान है, तो उससे भी बढ़कर है ना। तो अब ये है 18 किलोवाट का प्रो, ये आपका 22 किलोवाट तक का लोड चला सकता है। अब आप ये लगा लीजिए कि 11 से 12 13 एसी इसके ऊपर आराम से चल जाएंगे और ये 3 फेज के अंदर है और ये सिर्फ 4 ही बैटरी से चलता है, यानी कि वही आपका जो 4 लेड एसिड बैटरी होती है 48 वोल्ट के अंदर ये डिजाइन है। आप अपने बैकअप के हिसाब से 4, 8, 10, 12 कितनी मर्जी बैटरी रख सकते हैं और इसके ऊपर 30 किलोवाट का सोलर पैनल लग सकता है। हाँ, बिजली सारे बेचते हैं, सब फोन से कनेक्ट है, वाईफाई वगैरह सब कुछ, ड्यूल आउटपुट सब कुछ आता है कि यार ये तो मैंने सारा का बाप लग रहा है। हाँ, अब ये क्या है तो? जी ये है जिनको हॉस्पिटल चलाने हैं, फैक्ट्री चलानी है, स्कूल चलाने हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें चलानी हैं, तो फिर ये 50 किलोवाट का इन्वर्टर आ जाता है। आप साइज में देखेंगे, साइज में कोई ज्यादा फर्क नहीं है,
लेकिन ये 50 किलोवाट का इन्वर्टर है, 55 किलोवाट आपका लोड चला देगा और 65 किलोवाट इसके ऊपर आपके सोलर लगते हैं, लेकिन ये हाई वोल्टेज के अंदर हैं। इनकी तरह नहीं है कि चार बैटरी लगाएं और ये चल गया। ये हाई वोल्टेज बैटरी आती है, इन पे आप लेड एसिड बैटरी नहीं लगा सकते, इनके लिए स्पेशल लिथियम बैटरी है जो कि ये बैटरी है। अच्छा, ये बैटरी लगेगी इसमें। हाँ, अब ये भी बैटरी आपने आज से पहले कहीं नहीं देखी होगी, क्योंकि ये स्टैक बैटरी है। स्टैक का मतलब होता है कि जैसे आप ईंट एक दूसरे के ऊपर रख देते हैं, तो ऐसे ही इस बैटरी को भी एक दूसरे के ऊपर हमने रखा हुआ है। अब इसमें क्या खास बात है कि इसमें कोई भी वायर नहीं होती, ये देखिए एक दूसरे के ऊपर रखने से ये जुड़ गई। अब ये एक बैटरी 5 किलोवाट की है, तो अभी यहाँ पे 10 बैटरी रखी हुई है, तो ये बन गया आपका 51 किलोवाट, क्योंकि 5.12 किलोवाट की एक बैटरी है, तो ये 51 किलोवाट का बैकअप बन गया। अब इसमें मैक्सिमम आप 2 बैटरी और बढ़ा सकते हैं, तो ये 61 किलोवाट का एक रैक बन जाएगा। अब आप देखिए, सिर्फ इतनी सी जगह में, और ये दीवार पे इन्वर्टर लगा हुआ है, इतनी सी जगह में आपका 61 किलोवाट का सिस्टम। अब आपको पूरी बिल्डिंग चलानी है, तो ऐसे ऐसे आप 2 लगा लीजिए 100 किलोवाट बन गया, 3 लगा लीजिए 150 किलोवाट बन गया। हाँ, अब ये जितने भी इन्वर्टर हैं, एक खास बात मैं और बता दूं कि जैसे होता क्या है कि बाकी जो कंपनीज हैं, पहली बात तो उनके पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है कि इतने एयर कंडीशन इतना सब कुछ आपका चला सके। लेकिन जैसे कि अगर आज आपने 5 किलोवाट का इन्वर्टर खरीद लिया, तो कल आपका लोड बढ़ गया, तो आपको वो बेचना पड़ेगा और 10 किलोवाट का फिर अलग से नया इन्वर्टर लेना पड़ेगा। लेकिन इन सभी इन्वर्टर में क्या खास बात है कि आज अगर आपने 5 किलोवाट का इन्वर्टर ले लिया, तो ये आपस में जुड़ जाते हैं, तो 5 के साथ 1 5 का आपने पैरेलल कर दिया, तो ये 10 किलोवाट का एक ही सिंगल इन्वर्टर बन जाएगा। तो ऐसे ये 16 इन्वर्टर जुड़ सकते हैं। हाँ, एक के बाद एक अगर आप जोड़ें तो 16 इन्वर्टर जुड़ सकते हैं। ये वैसे इन्वर्टर तो और भी बतेरा जो रहा है, इनमें भी आपने अलग अलग चीजें बताई है, विदेश तो लेकर कुछ। देखिए, ये जो टेक्नोलॉजी है ये बन नहीं सकती, क्योंकि ये ट्रांसफार्मर लेस टेक्नोलॉजी है, और इंडिया में किसी भी कंपनी के पास ये टेक्नोलॉजी है ही नहीं। आप पूरा गूगल है सर्च कर लीजिए, किसी कंपनी के पास ये टेक्नोलॉजी नहीं है। यहाँ वही ट्रांसफार्मर वाले भारी भरकम जो इन्वर्टर होते हैं वो चलते हैं, जो आपके घर में भी छोटा सा इन्वर्टर भी होगा उसके अंदर भी काफ़ी वेट होता है। लेकिन ये जो टेक्नोलॉजी है ये मतलब कि USA की टेक्नोलॉजी है, तो ये डिज़ाइन है टेक्सास के अंदर, और ये जो टेक्नोलॉजी है इसके ऊपर ही आपका जो इतना बड़ा बड़ा सिस्टम जो चल रहा है। और अगर आप गूगल करेंगे या फिर आप YouTube पर भी सर्च करेंगे, तो हमारे इन्वर्टर्स के ऊपर हॉस्पिटल्स चले हुए हैं, आप फैक्ट्रीज चली हुई हैं, ऑफिसेज चले हुए हैं, और जो बड़े बड़े बंगले होते हैं जिनके यहाँ कम से कम 25-25 एयर कंडीशन होते हैं, तो वो भी सब कुछ चले हुए हैं, क्योंकि इंडियन मार्केट में ऐसा कोई भी ब्रांड या कोई भी इन्वर्टर नहीं है जिसके पास ये टेक्नोलॉजी है। और ये मंदिरों में भी लगे हुए हैं और दरगाह के अंदर भी लगे हुए हैं, जहां पर 100-100 किलोवाट से ज़्यादा का लोड है। हाँ, तो वो भी आप YouTube पर सर्च कर सकते हैं। अब बात आ जाती है कि लेड एसिड बैटरी में देखिए, आपको 3 साल के बाद बदलनी पड़ती है, और बीच बीच में उसकी मेंटेनेंस करनी पड़ती है, यानी 6 महीने के बाद ही आपको पानी डालना पड़ता है। तो कस्टमर काफ़ी परेशान थे कि हम इतनी लेड एसिड बैटरी कैसे लगाएं, क्या करें। तो फिर कंपनी ने 2021 में अपनी जो लिथियम बैटरीज हैं वो इंट्रोड्यूस कर दी थी इंडिया के अंदर। तो वन बाय वन आपको मैं वो ऑप्शन भी दिखा देता हूँ। बैटरी के भी दिखा दे। तो ये देखिए, ये भी हमारी बैटरी है, और इसको हम बोलते हैं रैक माउंटेड बैटरी। अब इसके अंदर ये 2 बैटरी आपको दिख रही होंगी, एक है सिंपल और एक है प्लस। अब सिंपल बैटरी में आपको मिलती है 5 साल की वारंटी और 4500+ लाइफ साइकिल। हाँ, कोई पानी नहीं डालना, कुछ नहीं करना, एक बार खरीदो और ये आपकी 30 से 40 साल निकाल जाएंगी। अच्छा, 30 से 40 साल। हाँ, 30 से 40 साल, क्योंकि 6000 लाइफ साइकिल के हिसाब से अगर आप काउंट करेंगे। हाँ। जो हमारी लेड एसिड बैटरी होती है घर वाली, उसके 300 लाइफ साइकिल ही तो होते हैं। इसमें पानी पूरी कौन डालना जी? कुछ नहीं, बिल्कुल, ये लिथियम आयरन फॉस्फेट है। हाँ, एक चीज मैं और बता दूं, लोग इसको लिथियम समझते हैं, लिथियम नहीं है, क्योंकि लिथियम में तो आपने देखा होगा स्कूटी में आग लग गई, कार में आग लग गई, तो वो लिथियम आयरन होती है। लेकिन ये लिथियम आयरन फॉस्फेट है, ये दुनिया की सबसे सेफ बैटरी मानी जाती है, इसमें कभी आग नहीं लगती। अगर प्लस माइनस भी आप ऐसे आपस में भिड़ा दोगे तब भी कुछ नहीं होगा, इसको कोई आग नहीं लगेगी, दुनिया की सबसे आग लगने का खतरा कोई कुछ नहीं है। आप गूगल पर जाके यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो लिथियम आयरन वर्सेज लिथियम आयरन फॉस्फेट। पानी पूरी था? कुछ नहीं, पानी तो भी कोई दिक्कत? हाँ, कुछ नहीं है, कैसे भी काट भी लो चाहे। अच्छा। हाँ, आरी लेके काट भी लो, इसको कुछ नहीं होता। वाजी। अब इसमें 2 मॉडल हैं, एक सिंपल एक प्लस। अब सिंपल तो मैंने आपको बता दिया, वही 5 साल की वारंटी में, लेकिन जो प्लस मॉडल है वो 10 साल की वारंटी में आता है और 6000+ लाइफ साइकिल में आता है। अब ये तो हो गई रैक, जिसमें आप रैक में एक दूसरे के ऊपर इसको रखोगे।
लेकिन जैसे कस्टमर क्या करता है, एक या दो बैटरी ही ज़्यादातर लेते हैं, तो जैसे दीवार पर ये इन्वर्टर लगा है तो दीवार पर ही उनको बैटरी लगानी है, तो फिर आ जाती है हमारी पावर वॉल, ये सीधा दीवार पर लगती है, इन्वर्टर की तरह दीवार पर ही लग जाती हैं, तब इनको पावर वॉल बोलते हैं। ये चार्ज वगैरह कितनी टाइम हो जाएगा? ये 5 किलोवाट की बैटरी है, ये आप अपनी आधी कैपेसिटी से मतलब चार्ज हो सकते हैं, चार्ज तो ये फुल कैपेसिटी से भी हो सकते हैं, यानी 1 घंटे में भी फुल चार्ज हो सकती है। हाँ, वैसे ही चार्ज हो कितनी टाइम लग जाएगी? ये 5 किलोवाट की है, तो अगर आप इस पे अगर नॉर्मल बैटरी जैसे बोलते हैं 400 वाट, तो फिर ये 16 घंटे भी निकाल सकती है जी। तो ये भी 5 किलोवाट की है, ये भी 5 किलोवाट की है, बस फर्क है कि ये रैक में रखी जाती है, ये दीवार पर लगती हैं। इनके अंदर भी वही 2 मॉडल हैं, ये आपका 5 साल की वारंटी, 4500 प्लस लाइफ साइकिल, और ये आपका 6000 प्लस लाइफ साइकिल और 10 साल की वारंटी के साथ। 10 साल की वारंटी? हाँ। अब उससे नेक्स्ट हम आ जाते हैं, ये हमारी अमेरिकन बैटरी है। इनका वजन कितना था जैसे? ये 45 kg है जी, ये 100 kg की है। हाँ, अब ये है हमारी अमेरिकन बैटरी, क्योंकि ये स्पेशली वैसे मैंने अमेरिका के लिए ही डिज़ाइन की थी, लेकिन इंडियन मार्केट में भी इसकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड बढ़ गई थी। ये भी दीवार में लग जाओ? हाँ, ये भी दीवार में भी लग, इसमें दोनों खास बातें हैं, ये रखी भी जा सकती है, इसके नीचे इसके पैर हैं, तो ये अभी रखी आपके सामने, और इसको आप दीवार पर भी लगा सकते हैं, इसके अंदर दोनों खास बात आती है। और एक ये दुनिया की सबसे पतली बैटरी है, पतली कैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मेरा फ़ोन है, ये देखिए फोन से भी पतली है, तो ये इसके अंदर खास बात है। और इसके अंदर आपको टच स्क्रीन मिलती है, और टच स्क्रीन भी आपको हम दिखा देते हैं, ये देखिए, ये देखिए। अच्छा, इसमें सारा सोता है? हाँ, इसमें सब कुछ दिखाई देता है, आप थोड़ा सा नजदीक लेके आइए, ये देखिए सारी की सारी चीजें इसके अंदर आपको दिखती हैं, अगर कुछ भी चेक करना हो यहाँ। हाँ, तो टोटल सब कुछ दिख जाता है। हाँ, ये आपके इन्वर्टर के साथ कनेक्ट है, इन्वर्टर से पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन आपके फोन पे आ जाएगी। अच्छा जी। इन्वर्टर बैटरी दोनों की। अच्छा, तो इस बैटरी का भी इंडिया में काफी ज्यादा मतलब अब डिमांड बढ़ चुकी है। अब इसमें भी हमारे 2 मॉडल आते हैं, ये हमारा सिंपल मॉडल है, वही 5 साल की वारंटी के साथ, 4500 प्लस लाइफ साइकिल, और ये हमारा प्लस मॉडल है, 6000 प्लस लाइफ साइकिल और 10 साल की वारंटी। और इस बैटरी की जो कैपेसिटी है वो 10 किलोवाट है। अब कई बंदों को क्या चाहिए कि मुझे 5 की नहीं, मुझे 10 किलोवाट की बैटरी चाहिए, क्योंकि मेरा लोड ज़्यादा है, मेरे एयर कंडीशन ज़्यादा हैं। अब इस बैटरी के ऊपर 5 एयर कंडीशन चल सकते हैं। 5 जी। अब उससे भी ज़्यादा अगर बड़ी बैटरी चाहिए तो फिर ये बैटरी आ जाती है, ये 15 किलोवाट की बैटरी है। अब इस 15 किलोवाट की है, इसकी वारंटी कितनी दोगे आप? इसमें भी 2 मॉडल हैं, सिंपल और प्लस, वही इसकी 5 साल की वारंटी, 4500 प्लस लाइफ साइकिल। कितनी लाइफ होगी इसकी, कितनी ये आपकी 40 ईयर प्लस चल जाएगी जी। और इसके अंदर आपको 6000 लाइफ साइकिल और 10 साल की वारंटी मिलती है। तो देखिए लाइफ साइकिल क्या होते हैं, ये भी काफ़ी देर से मैं लाइफ साइकिल बोले जा रहा हूँ, लेकिन कई लोगों को पता नहीं है कि लाइफ साइकिल है क्या। जब आप एक बैटरी को कंप्लीट डिस्चार्ज करके चार्ज करते हो तो एक लाइफ साइकिल निकल जाता है, ठीक है, जितनी इसके अंदर कैपेसिटी है, पूरा डिस्चार्ज और पूरा चार्ज। अब जो आपकी लेड एसिड बैटरी होती है घर में, उसके 300 लाइफ साइकिल होते हैं, और वो 3 साल चला देते हैं, और लोग तो 5 साल भी चला देते हैं उसको, सिर्फ 300 लाइफ साइकिल में, और ये तो 6000 प्लस, और 6000 के बाद भी ऐसा नहीं है कि डेड हो जाएगी। 6000 इसका 80% DOD पर है, यानी कि 6000 बार यूज करने के बाद भी 80% पावर इसके अंदर रहेगी। एक बार लो बस, दोबारा लेने की जरूरत? हाँ, दोबारा ना पानी डालना, ना कुछ करना, ना देखना, दीवार पे LCD TV की तरह लग गई, और सबसे सेफ है। और सामने की तरफ से अगर आप इस बैटरी को देखोगे तो इसमें कोई भी वायर नजर नहीं आएगी, इसका डिजाइन ऐसे किया गया है कि कोई वायर दिखेगी नहीं, आप बोर्ड सा लग रहा है। हाँ, बिल्कुल साफ सुथरी। तो आप ना मल्ली हो जो साफ भी कर लेंगे। और इसमें साइड में स्क्रीन देने का बेनिफिट ये है कि जैसे ये 10 किलोवाट की बैटरी है, ठीक है जी। अब मुझे चाहिए कि मुझे तो 20 किलोवाट का सिस्टम बनाना है। हाँ। एक तो तरीका कि आप दीवार पे लगा दे दोनों बैटरी। हाँ। अगर आप रखना चाहते हैं तो इस बैटरी के सामने ही इस बैटरी को रख दीजिए। अच्छा। जिससे कि स्क्रीन दोनों की साइड में है, तो दोनों बैटरी का डाटा आप देख सकते हैं। तो इस वजह से स्क्रीन साइड में दी गई है। और इसका जो डिजाइन देखेंगे आप कितना ज्यादा एलिगेंट है। अमेरिका में आप देखेंगे टेस्ला की पावर वॉल आती है। बिल्कुल भाई, और
और इन सारी जो भी बैटरी इन्वर्टर तो हमने देखे है इनका यूज है तो हम अपना बिजली का बिल बिल्कुल जीरो अंडा कर सको हो और साथ के साथ में बिजली बेच भी सको हो। मैंने सुना है एक रोबोट एसी भी ले रहे हो तुम हाँ जी देखिए एयर कंडीशन का मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है आपका सोलर एयर कंडीशन। तो इस एयर कंडीशन की क्या खास बात है, एक तो इसके अंदर मीटर दिए गए हैं तो आपके फोन से ही ये चलता है, फोन पे ही रियल टाइम में दिखेगा कि कितनी बिजली ले रहा है, कितना सोलर ले रहा है। अगर बिजली चली भी जाती है तो डायरेक्ट ये सोलर पैनल से चल सकता है, प्लेट से डायरेक्ट, यानी कि कोई भी आपको इसमें बैटरी इन्वर्टर की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट चलेगा। सर्दी बारिश सब कुछ है। हाँ, हॉट एंड कोल्ड है। हाँ। गर्मी में भी चलेगा और सर्दी में भी चलेगा, ये हॉट एंड कोल्ड दोनों का काम करेगा। वाह जी, मतलब आप अपने फोन में शेड्यूल भी भर सके, हाँ, इतने टाइम तक इतने टाइम तक चलाना हमने इसी, है ना जी? जी। और एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ कि मैं बोल रहा हूँ कि बैटरी 40 साल चलेगी, 40 से ज्यादा साल चलेगी, तो क्यों चलेगी, ऐसा क्या मतलब कि हमारी बैटरी के अंदर है? तो जो हम यूज करते हैं सेल वो है ईव कंपनी के सेल। अगर आप गूगल पर जाएंगे सर्च करेंगे तो दुनिया की दो बड़ी कंपनी है कैटल और ईव, तो इसमें ईव कंपनी के सेल लगे हैं क्योंकि ईव कंपनी के लाइफ साइकिल कैटल से भी ज्यादा हैं और रिलायबल भी उससे ज्यादा हैं, तो उससे ऊपर दुनिया में कोई सेल नहीं आता। चलो भाई, फिलहाल देखो भाई, वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दिया और किसान का छोरा ना, हरियाणा का छोरा ना, कमाल कर दिया है। विदेश से इतनी बढ़िया टेक्नोलॉजी ले आया है जिस तरह आप जो कर मैंने पहले भी बताया कि भाई अपना बिजली का बिल जीरो कर सका है। ज्यादा से ज्यादा वीडियो ने शेयर करियो और यार नंबर जो मैंने स्क्रीन पर दे रखा है इस नंबर पर फोन करके ना पूरी डिटेल ले सको हो। लोकेशन और पूछ रहे हो, लोकेशन आप? ये करनाल हरियाणा में है लेकिन हमारे पूरे ऑल ओवर इंडिया डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क है, तो आप किसी भी स्टेट में हो, किसी भी जिले में हो, तो वहां पर आपको हमारा डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर मिल जाएगा। अगर आप इसको डायरेक्ट भी ऑर्डर करना चाहते हैं तो डायरेक्ट आप cellchronic.com से ऑर्डर कर सकते हैं, अमेजोन की ही तरह, जैसे आप अमेजोन से ऑर्डर करते हैं तो डायरेक्ट ये आपके घर पे भी डिलीवर हो जाएगी। ले भाई, दिवाली आने लग रही है, दिवाली पे भी ये कुछ ना कुछ धमाका सारे कर रहे हैं, तो इनसे पूछेंगे कि भी ये के धमाका करने वाले हैं। देखिए दिवाली पर मिलने वाली है यहाँ पर भारी भरकम छूट और 21 अक्टूबर से लेकर 26 अक्टूबर तक यहाँ पर सेल रहने वाली है और अलग अलग प्रोडक्ट पर अलग अलग छूट है। और अगर मैक्सिमम की मैं बात करूं तो 17,000 रुपए तक का भी डिस्काउंट मैक्सिमम यहां मिल जाएगा। वाह जी, 17,000 रुपए का डिस्काउंट? जी हाँ, 17,000 रुपए का डिस्काउंट मैक्सिमम आपको मिल सकता है। वाह जी, और ये दिखा रहे थे आप एक बार। हाँ, ये देखिए जो मैं आपको बात कर रहा था कि ईव के सेल हम यूज करते हैं, तो आज लोगों को दिखा भी देते हैं कि एक लिथियम बैटरी के अंदर होता क्या है। तो देखिए इसके अंदर सेल लगे होते हैं, तो ये देखिए ये काउंट करेंगे तो टोटल 15 सेल हैं। अब आप इसकी फिनिशिंग देख सकते हो, ये देखिए कितनी जबरदस्त तरीके से इसकी वायरिंग कर रखी है, जैसे कि मोती पिरो रखे हो ऐसा लगता है। अब यहाँ पर देखिए ये इसका स्कैन है, आप हाथ लगाइए जी, ये देखिए इसके अंदर गूदा हुआ है ये। हाँ। ना कि अच्छा ये निकला को नहीं, निकला को नहीं, ये इसके अंदर है क्योंकि जब कंपनी से सेल बनते हैं तो उसकी क्वालिटी टेस्ट होती है और उसके बाद ये स्कैन बनते हैं, तो ये ए ग्रेड सेल है। आप कहीं पर भी इनको अपने फोन से स्कैन करके भी इनका पूरा डाटा आ जाएगा। अब ये ईव कंपनी के सेल हैं तो टेंशन फ्री हो जाइए क्योंकि इससे ऊपर दुनिया में सेल ही नहीं बनते। इसके साथ ये जो बीएमएस है, ये बीएमएस भी 125 एम्पियर का है और इस पे मैक्सिमम 100 एम्पियर का लोड चलता है, तो ये भी काफी महंगा बीएमएस है क्योंकि अगर 125 एम्पियर की चीज पर 100 एम्पियर का लोड चलेगा तो वो कभी खराब नहीं होगी, यानी कि उसकी कैपेसिटी से कंपनी ने बड़ा ही दे रखा है ताकि एक बार बैटरी बेच के ना तो कंपनी को टेंशन रहे और एक बार खरीद के ना कस्टमर को टेंशन रहे। हाँ, और ये देखिए जैसे आपके फोन में जो चार्जिंग केबल होती है वो देखिए टाइप सी, तो ये पोर्ट भी हमने इसमें बैटरी में डाल दिया है क्योंकि आपके पास आपके फोन का चार्जर होता है, तो हम उसी केबल से इसका सॉफ्टवेयर भी अपडेट कर सकते हैं और उसी से इसकी पूरी हिस्ट्री भी निकाल सकते हैं, तो ये भी चीज आपको टाइप सी पोर्ट ये किसी कंपनी में नहीं मिलने वाला। अलग ही चीज है भैया भी बिल्कुल। और जो छोटे इन्वर्टर रख रहे हैं उन खातर वो बैटरी दिखा रहे थे आप जी। हाँ, ये देखिए जो अगर आपके घर में ये इन्वर्टर नहीं है और जो सिंपल आपके ट्रांसफार्मर वाले इन्वर्टर हैं तो उनकी भी बैटरी से आप परेशान रहते हैं कि फिर से बैटरी की बदलनी पड़ गई, फिर से पानी डालना पड़ गया, तो उनके ऊपर ये बैटरी लग जाती है। अच्छा, ये भी लग जाएगी? हाँ। तो नहीं अगर यार ले ली तो इन्वर्टर भी यो लेना? नहीं 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 नहीं, ये किसी भी इन्वर्टर के ऊपर लग जाएगी। और इस बैटरी की क्या खास बात है, ये आपकी चार बैटरी तक पैरेलल भी हो सकती है और सीरीज भी हो सकती है।
अब ऐसा है जैसे कि आपके पास 24 वोल्ट का इन्वर्टर है, तो दो को आपने सीरीज में कर दिया 24 वोल्ट बन गया। 48 वोल्ट का इन्वर्टर है जैसे कि ये है, तो चार बैटरी को सीरीज में कर दिया 48 वोल्ट बन गया, यानी कि ये एक बैटरी का इन्वर्टर, दो बैटरी का इन्वर्टर और चार बैटरी का इन्वर्टर, सबके ऊपर ये बैटरी चल जाएगी। ठीक है, या कितने चलेगी, कितने टाइम तक? ये 1 किलोवाट की बैटरी है। अगर आप अपनी 150 एच की बैटरी के साथ इसका कंपेयर करेंगे, जो कि बोलते हैं 400 वोल्ट पे आपकी 2.25 घंटे चलती है, तो ये 400 वोल्ट के लोड पे 2.5 घंटा चलती है। आप सीधा कंपेरिजन कर सकते हैं, उससे ज़्यादा निकालेगी। और अब ये प्रोडक्ट, ये तो आप समझ लीजिए कि ये प्रोडक्ट इंडिया में किसी के पास नहीं है। अच्छा जी। ये मेड इन जर्मन है। अच्छा। अब इसमें क्या है कि जैसे किसानों को गवर्नमेंट पंप देती है कि कोई 5 HP का पंप, कोई 10 HP का पंप, ठीक है 7.5 HP का पंप, तो उससे क्या होता है कि सिर्फ पंप ही चल सकता है क्योंकि इसकी हाई वोल्टेज होती है। लेकिन ये चेंज ओवर लेने के बाद आपका पंप भी चलेगा, और जब आपको पंप नहीं चलाना तो पूरी की पूरी पावर इन्वर्टर के पास जाएगी। आपके घर के एयर कंडीशन चलेंगे, आप बिजली बेच भी सकते हो। अच्छा। हाँ, आपके पंप का हम इसमें कुछ भी चीज जैसे वायरिंग चेंज नहीं करते। अच्छा जी। जब आप इधर घुमाओगे तो तब आपका पंप चलेगा, और जब आप इसको ऐसे घुमाओगे इधर तो पूरी की पूरी पावर बिना कुछ वायरिंग छेड़े सारी जाएगी इन्वर्टर के पास। कोई सा मर्जी आप इन्वर्टर लगा सकते हो। और तो आपके एयर कंडीशन से लेके चक्की गंडासा से लेके सब चलेंगे। अब आप देखिए, पंप के आप पैसे दे चुके हो जी। 10 किलोवाट लग गया 1 लाख में आपका, तो अब आपको खाली क्या करना है, अगर एयर कंडीशन चलाना है खाली इन्वर्टर लेना है, कोई सा मर्जी ले लो छोटे से लेके बड़े तक, और बैटरी आपके पास होंगी लेड एसिड, तो सीधा ये सिस्टम लगाया। ये 11,000 रुपए का आता है विद GST। और कोई सा भी इन्वर्टर लगा लीजिए, सभी में चल जाएगा। हाँ, सभी में चल जाएगा। ये पावर को, वोल्टेज को कम या ज्यादा कर देता है अपने हिसाब से, और किसी भी इन्वर्टर पर आप इसको लगा सकते हो। ठीक, बस इसे एक बटन तक बदलना है भाई। देखो, नून कर दो और नून कर दो, और कुछ तार तोर कुछ नहीं छेड़नी है ना। कुछ नहीं छेड़ना, एज इट इज पंप चलेगा। और जब पंप नहीं चला रहे तो घर के सारे एयर कंडीशन चलेंगे। फेस बदलना भी इससे ज्यादा कठिन हो है। फिलहाल और कुछ रह गया जी आपके इसमें जो बताना चाहो? मार्गदर्शन नहीं जी, यही है बस अपने पास। यो इतना ले रहे हो, यो थोड़ा है के शेयर कर दियो भाई वीडियो ने। और किसी ने लेना हो कुछ भी सामान तो इस नंबर पर फोन करके ना डिटेल ले सको। मैं फिर मिलूंगी दूसरी वीडियो के लिए, तब तक के लिए मन दे दो इजाजत। राम राम।